हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फलाफल की रेसिपी। और ये रेसिपी जो है वो काबुली चने से तैयार की जाती है, और जो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है और अंदर से सॉफ्ट, जो खाने में बहुत मज़ेदार होती है। तो इसे आप चाहे ऐसे ही खा सकते हैं चटनी या हमस के साथ, या फिर आप इसका एक रैप बनाकर और इन्जॉय कर सकते हैं। बिल्कुल फुल मील होता है ये। तो ज़्यादा देर क्यों करनी, चलिए फटाफट देखते हैं कि ये फलाफल हम बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए हमें लेने हैं 1 कप काबुली चने। तो ये काबुली चने 6 से 7 घंटे आपको भिगो के रखने हैं। तो मैंने इसे पूरी रात भिगो दिया था, और अब ये कच्चा ही, मतलब इसको उबालना नहीं है। और अब हम इसको पीस कर और इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो इसके पहले हम इसमें मिलाएंगे प्याज। तो ये मैंने आधी कटी हुई जो प्याज है ना, इसको रफली ऐसे चॉप कर लिया है। एक छोटी प्याज आप ले सकते हैं, और उसे रफली चॉप करके इसमें मिलाना है। और ये गार्लिक के पीसेस हैं, तो 3-4 गार्लिक के पीसेस। और धनिया, इसमें बहुत सारा धनिया डालते हैं, इससे इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इन सबको हमें पीस लेना है। तो थोड़ा दरदरा ही पीसते हैं हम इसे। तो ये देखिए, बिल्कुल हमने सब कुछ मिलाकर इसे पीस लिया है। तो इसका कलर भी देखिए धनिया के कारण बिल्कुल चेंज हो गया है। तो फलाफल का यही रंग होता है। और इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, यानी कोरिएंडर पाउडर जो हम मसालों में यूज़ करते हैं ना, वही वाला है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ही ज़ीरा पाउडर। इसमें और बहुत ज़्यादा मसाले कुछ पड़ते नहीं हैं। और आप चाहें तो थोड़ा सा इसे चटपटा बनाने के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च भी जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालिए नमक, और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। और इसकी बाइंडिंग अच्छी हो इसके लिए मैंने इसमें 1 चम्मच चावल का आटा भी यूज़ किया है। और इसके बाद मैंने 1 पिंच के करीब इसमें बेकिंग सोडा, यानी 1/4 स्पून जो है बेकिंग सोडा यूज़ किया है। इससे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं अंदर से, वरना बहुत हार्ड होते हैं और ड्राई लगते हैं। तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज़ कीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसको आप 2 तरह से शेप दे सकते हैं, या तो टिक्की के जैसे प्रेस करके और इसे गोल बनाइए, या फिर आप जैसे लड्डू या कोई कटलेट होता है ना, बिल्कुल राउंड शेप में, बॉल जैसा शेप भी आप इसका दे सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि कोई कुकी कटर लेकर आप किस तरह इसका टिक्की वाला शेप बना सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हाथ से इसे कैसे बनाना है। अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप टिक्की वाला शेप दे रहे हैं ना, तो आप इसे इजीली शैलो फ्राई भी कर पाएंगे। और कढ़ाई में तेल जो है अच्छी तरह जब गर्म हो जाता है, तो उसको लो मीडियम फ्लेम करके और उसके बाद इसे फ्राई करना है, ताकि जो हमारी फलाफल की टिक्कियाँ हैं ना, वो अंदर तक बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो ये मैंने इसमें जो कुकी कटर से बनाया था ना, वो पहले मैंने डाल दिया है इसमें। और अब मैं बताती हूँ हाथों से आप इसे कैसे बिल्कुल गोल शेप देकर और टिक्की जैसा बना सकते हैं। इस तरह आप फ्लैट कर लीजिए इसे दोनों हाथों का यूज़ करके, और आपका फलाफल बिल्कुल रेडी है। तो इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको जब थोड़ा सा ऊपर से ब्राउन होने लगे ना, तभी आपको फ्लिप करना है। आप जल्दी इसमें अगर स्पैचुला यूज़ करेंगे ना, तो ये फट सकता है। तो थोड़ा सा ब्राउन होने लगे ना, तो आप इसे दोनों तरफ से बिल्कुल ब्राउन होने तक सेके, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा एक अच्छा सा रंग आ जाता है ना, तब तक आपको इसे फ्राई करना है। ठीक इसी तरह अगर आप इसे एक बॉल की शेप देना चाहते हैं ना, तो आप छोटे छोटे हाथों से ही, जैसे आप लड्डू बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बॉल की शेप दीजिए और इसे फ्राई कर दीजिए। और बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको करना है, इसको फ्लिप करके और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और फिर इसे निकाल लीजिए किसी किचन टॉवल में, ताकि एक्सेस जो इसका ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए हमारे फलाफल बन के बिल्कुल रेडी हैं, और कितने सॉफ्ट बने हैं ना। और अंदर से मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है अंदर से, और ऊपर से एकदम क्रंची क्रिस्पी, बहुत ही मस्त बने हैं। और इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसे आप हमस या तहिनी के साथ खा सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत मज़ेदार लगते हैं। और आप चाहें तो इसका एक रैप बना सकते हैं, जैसे हम फ्रेंकी रैप बनाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह आप इसका एक रैप बनाकर खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। उसमें अपने फेवरेट सॉस यूज़ कीजिए, केचप यूज़ कीजिए, और इसका मज़ा लीजिए। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और
वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।